मैसेज अर्चना, वेलकम ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी फिलहाल मैं हूँ अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं तो वहाँ जाने से पहले आपको एक इनर लाइन परमिट बनवाना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर आप भी अरुणाचल प्रदेश की सैर करना चाहते हैं तो आप इनर लाइन परमिट कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सीधे आपको मैं लेके चलती हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और बताती हूँ कि आप कैसे अपनी इनर लाइन परमिट बनवा सकते हैं। तो ये रहा मेरा लैपटॉप का स्क्रीन, और यहाँ पे मैंने पहले से ही गूगल ओपन कर रखा है। तो गूगल में आपको टाइप करना है अरुणाचल प्रदेश EILP, और जैसे ही आप इसको सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दिखेंगे, लेकिन आपको जो सेकंड वाली वेबसाइट है जहाँ पे लिखा हुआ है टूरिस्ट EILP, आपको सेकंड वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप अरुणाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको टूरिस्ट EILP के नीचे अप्लाई EILP पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप अप्लाई EILP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन होता है। इस डिक्लेरेशन फॉर्म को आप पढ़ के, और यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है आई एग्री, तो इसको आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर करना होता है। फ़ोन नंबर वही डालिएगा जो आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि फ़ोन नंबर में OTP आता है। तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर ऐड कीजिए, और जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद एक पूरा फॉर्म आ जाता है। इस फॉर्म में आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका नेम क्या है, आपकी ईमेल आईडी, जेंडर, आपकी सिटीजनशिप क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अपना कंप्लीट एड्रेस आपको फिल करना होता है। साथ ही साथ आपको अपना पिन कोड भी देना होता है, मतलब अपनी जो भी पर्सनल डिटेल्स होती है वो आपको इस वाले फॉर्म में फिल करना होता है। इसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं, या फिर कोई भी जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड जो भी आईडी कार्ड है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो उसका जो साइज होना चाहिए वो 100x100 KB होना चाहिए। तो साइज का थोड़ा सा ध्यान रखें, इसलिए आप पहले से ही डॉक्यूमेंट्स बना के अपने पास रख लें ताकि अपलोड करने में आपको परेशानी ना हो। इसके बाद आपको कैप्चा नीचे फिल करना है, और कैप्चा फिल करने के बाद अपडेट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो जब आप अपडेट एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, डू यू वॉन्ट टू सबमिट द एप्लीकेशन, तो आपको यस रखना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ रहता है थैंक यू, एंड क्लिक हेयर का ऑप्शन रहता है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ोन नंबर होता है वो रजिस्टर्ड हो चुका होता है। अब आगे यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल फिल करना होता है इस फॉर्म का। इस डिटेल में आपको बहुत सारी चीज़ें भरनी होती है, जैसे कि आप अरुणाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट की विजिट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ आप मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो क्योंकि मैं जा रही थी तो मुझे बस एक तवांग डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता था, लेकिन मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए थे। फिर आपको डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ रिटर्न डालना है, मतलब किस दिन आप अरुणाचल प्रदेश में जा रहे हो, कब वहाँ से रिटर्न हो रहे हो। एंड अगेन आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो का भी यहाँ पे लिमिट था, मतलब फ़ोटो का साइज यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हैं 500 KB की फ़ोटो जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो ऐड कर सकते हैं आप अपने दोस्तों को भी या फिर फैमिली मेम्बर्स को। फिर अगर आप अकेले जा रहे हैं तो सेव एंड सबमिट कर दीजिए, और अगर आप किसी फैमिली मेम्बर को वहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। इसके बाद आप सेव एंड सबमिट जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन आ जाएगा योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर आईडी मेंशन है, और आपका पासवर्ड भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो यूजर आईडी और पासवर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि ये आगे आपको और भी चीज़ों में मदद करेगा। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, क्लिक फॉर पेमेंट एंड डाउनलोड EILP। तो अभी तक हमने सिर्फ फॉर्म फिल करा है, अब हमें पेमेंट करना है, क्योंकि जैसे ही आप पेमेंट करते हो ना तब जाकर आपको EILP डाउनलोड कर सकोगे। तो आप यहाँ एप्लीकेशन आईडी देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं पैसों के बारे में बताना चाहूँगी कि अगर आप 3 दिनों के लिए अरुणाचल प्रदेश में जा रहे हैं तो आपको 300 रुपये देने होंगे परमिट बनवाने के लिए, लेकिन अगर आप 3 दिन से ज़्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं तो आपको 500 रुपये देने होते हैं। और ये जो EILP होता है ये मैक्सिमम 14 दिनों के लिए वैलिड होता है। तो आप यहाँ पे
अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के लिए यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप कैप्चा फिल कीजिए, प्रोसीड कीजिए, उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है पेमेंट का। तो पेमेंट में देखिए, क्योंकि मैं 3 दिनों से ज़्यादा के लिए जा रही हूँ तो वहाँ पे 500 मुझे पे करना होगा। और जैसे ही मैं ये EILP फ़ी पे कर दूँगी, उसके बाद यहाँ पे ना काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे पेमेंट गेटवे में आपको कौन सा मोड सेलेक्ट करना है। मैंने SBI सेलेक्ट करा था। यहाँ देख सकते हैं सेलेक्ट अ पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं आपको किस मेथड से पेमेंट करना है, और एग्री पे क्लिक कीजिए और प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो जैसे ही प्रोसीड फॉर पेमेंट आप कीजिएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे कार्ड ओपन हो जाएगा। अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाह रहे हैं तो कार्ड का नंबर डालना होता है, और ये तो बाकी जो ऑनलाइन फॉर्म्स में जो भी पेमेंट आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सारी चीज़ें करनी होती हैं। इसके बाद अब क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया है तो मैं अपना ELP का स्टेटस ज़रूर चेक करूँगी। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन ID थी वो डालना है, उसके बाद आपको फ़ोन नंबर अपना डालना है, EILP का जो फ़ोन नंबर था वो डालना होता है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन डिटेल्स देख सकते हैं, मेरा नेम यहाँ शो कर रहा है अर्चना कश्यप, और परमिट का स्टेटस मेरा अप्रूव है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, प्रिंट रिसिप्ट का और जो EILP है उसको डाउनलोड करने का। तो प्रिंट तो आपने देख लिया, मैंने डाउनलोड कर लिया, और ये रहा EILP, इसे भी मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो कुछ इसी तरीके का आपका भी इंटरफेस दिखेगा अरुणाचल प्रदेश का जो EILP होता है उसका, इनर लाइन परमिट का। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की जो ये वीडियो है वो आपको पसंद आई हुई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज मेरे चैनल पे आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।